Sağ aklımız çok. Sağ sabah. Sen de olsun şu kuzeyde. Layıha göster. Ne? 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 Bana göre bak. तरीका का वाका है तारजू पुलिस रूटीन नाका चेकिंग पे अमरगढ़ रेलवे क्रॉसिंग पे गाड़ियां चेक कर रही थी, जिसमें एक गाड़ी जो कि ट्रक JK05C1271 नंबर की गाड़ी चेक करने के दौरान ये पता चला कि एक ड्राइवर ने एक बैग जो है पीछे सीट के पीछे छुपाया हुआ था, जिसको चेकिंग पे ये पता चला कि उसमें 3600 SP टेबलेट्स जो है बरामद हुए। ड्राइवर की मजीद पूछताछ पे ये पता चला कि एक बैग उसने संग्रामा क्रॉसिंग पे एक शहनवाज नामी लड़के को दिया था। सोपर पुलिस ने स्विफ्टली एक्ट करके उस बंदे को भी अप्रिहेंड कर लिया बैग के साथ और 744 SP टेबलेट्स के साथ। उसके मजीद इंकशाफ पे शहनवाज के मजीद इंकशाफ पे ये पता चला कि एक और बंदा जो है जिसका नाम शबीर अहमद है, उसके पजेशन से फिर हमें मजीद रिकवरी हुई 792 टेबलेट्स की। टोटल ये कुल मिला के 214 स्ट्रिप्स यानी 5136 कैप्सूल्स की रिकवरी हुई। सोपोर पुलिस की ये सबसे बड़ी इस साल की रिकवरी है। उम्मीद है कि और इसमें रिकवरियां होंगी। ये जो ड्रग है ये जम्मू से बतरफे सोपोर की तरफ गाड़ी में आ रहा था, तो इसमें बताया मजीद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये इम्कानात हैं कि जो सोपोर का इसमें बंदा जो है सोर्स, उसको भी जल्द ही जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। टोटल सर कितने लोगों को इस केस में पकड़ा गया है अभी तक? पहले जो ड्राइवर है जिसका नाम रमीज़ वली राठौर है, उसके इंकशाफ पे हमने शहनवाज को पकड़ा और शहनवाज के इंकशाफ पे हमने एक शबीर नामी शख्स को पकड़ा। कुल मिला के 3 अफराद जो हैं इसमें पकड़े गए हैं अभी तक, और उम्मीद है कि और मजीद पकड़े जाएंगे और मजीद रिकवरी हो जाएगी। सर जो ये आपने ये अभी बात की कैप्सूल्स के हवाले से, ये कौन सी पॉस्मोप्रोक्सीवान टेबलेट्स हैं, जिसमें ट्रेमेडोल जो है ड्रग होता है, पेन किलर की तरह यूज होता है, और जो ड्रग वाले हैं ये अपने पेन को रिलीव करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या SP ड्रग्स के अलावा और भी कुछ इसके साथ था? कोई और ड्रग? SP ये SP टेबलेट्स हैं जिसमें ट्रेमेडोल होता है, जिसमें NDPS एक्ट के तहत 8/21 और 22 का जो एक्ट है सेक्शन लगता है। सर आने वाले वक्त में मजीद लोग इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं? दौरा ने पूछताछ ये भी पता चला है कि ये जो ड्रग ये जो गाड़ी है ये ड्रग्स के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल हो रही थी कई सालों से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितने भी ट्रक ड्राइवर्स या गाड़ी वाले हैं जो ड्रग्स को आगे पीछे ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको पकड़ा जाएगा। ओके सर।